के रक्षित कॉलोनी में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर मकान में घुस गई। हालांकि यह हादसा ज्यादा गंभीर नहीं हुआ और बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। इस हादसे के बाद परिवहन विभाग पर कई सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि सुबह एक निजी स्कूल की बस रसिद कॉलोनी में बच्चों को लेने गई थी, वहां ये बस अनियंत्रित होकर एक मकान से जा टकराई, जिसके चलते मकान क्षतिग्रस्त हुआ और उसमें बैठे बच्चे भी चोटिल हुए। गनीमत रही कि वहीं पास में कई लोग खड़े थे जिनको कोई चोटें नहीं आई। वहीं आपको बता दें कि जब हमने इस बस नंबर की पड़ताल करना चाहिए तो हमें पता चला कि ये बस ग्वालियर के पास की है, जिसके बाद इसका फिटनेस मात्र 2011 तक भरा गया था। इसके साथ ही इस बस का कोई भी रिकॉर्ड गुना के परिवहन विभाग में दर्ज नहीं है। समय समय पर गुना आरटीओ द्वारा मुहिम चलाकर चालानी कार्रवाई की जाती है, इसके बावजूद भी कैसे ये बस 8 सालों से बिना किसी फिटनेस से गुना में चल रही थी, जिसके बारे में परिवहन विभाग का कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इस स्कूल में पहले भी कई बार बसों को लेकर कार्रवाई की गई है, उसके बावजूद स्कूल संचालक का रसूखदार रवैया हर बार कार्रवाई होने से बचा लेता है। स्कूल के बारे में आपको बता दें कि यह स्कूल विद्या भवन पब्लिक स्कूल है जो कि फतेहगढ़ रोड पर स्थित है। यह स्कूल शासन द्वारा कोई भी निर्देश जारी होने पर उन्हें मानता ही नहीं। कई बार देखा गया कि शासन द्वारा छुट्टी घोषित हो जाने के बावजूद भी यह स्कूल संचालित होता है, लेकिन आज तक जिला प्रशासन इस स्कूल पर कार्रवाई करना तो दूर, उसके संचालक से बात तक नहीं करता। इसी से समझ आ जाता है कि स्कूल संचालक किस तरह से दबाव में जिला प्रशासन को रखता है। अब इस बार देखने लायक होगा कि क्या इस स्कूल पर कोई कार्रवाई होती है या सिर्फ कागजी लिपापोती कर सब खत्म कर दिया जाएगा। बच्चे नहीं लेने आती है विद्या भवन स्कूल की बस, तो तेज स्पीड में लाता है रोजाना और आते से जो है मकान में भरा गई। हम लोग खड़े थे, जरा सी बच गए। मकान कौन का? मकान मेरा ही है, तो क्षतिग्रस्त हो गया। पूरे में दरार पड़ गई मकान। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस रिपोर्ट करेंगे और उस पर दावा लगाएंगे। किसके खिलाफ? बस के गाड़ी वाले खिलाफ। जो है मकान का हर्जा खर्चा कौन दोबारा बनवाए? कारण क्या हुआ कि कम स्पीड में होती ना तो ब्रेक से खड़ी हो जाती बस, और बस ज़्यादा स्पीड में थी इसलिए खड़ी नहीं हुई। स्टीयरिंग फेल हुआ, क्या हुआ ये भगवान जाने, और बस टकरा गई। मतलब बस बहुत तेज थी। अच्छा, कितनी बजे घटना है ये? 8 बजे की, 70 की स्पीड में लगभग बस थी ये, मान लो आप। कोई बच्चे बच्चे घायल हुए? बच्चे एक छोटा सा घायल हुआ, मामूली सा, और भगवान की कृपा रही, बच गए। जाने क्या हुआ, हम तो भजन पूजन में कर रहे थे इस पर, हमने आके देखा तो गाड़ी बढ़ गई। अच्छा, थे बच्चे अंदर। अच्छा, और आप क्या कर रहे थे उस समय? उस समय हमें ना शंकर जी का पाठ कर रहे थे उधर मुंह करके। अच्छा अच्छा, तो ये जब बस इसमें मकान में आके भिड़ी तो उसके बाद ड्राइवर के रुका के भाग गया। भाग गया।